एक कॉमेडी फिल्म है एंड एन एक्शन फिल्म और वी विल शूट सिंस फ्रॉम जून. तो ये सब्जेक्ट बेसिकली इज अ भाई इज अ कॉमेडी वन विद एक्शन. तो आप प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानना चाहूंगा कि ये पहला आपका डेब्यू प्रोजेक्ट है, इससे पहले आपने किया है? नहीं नहीं, आई हैव ऑलरेडी मेड अ फिल्म ऑन द रैम. ये हमारा उसके बाद का भाई है प्रोजेक्ट. क्या क्या आपसे जमा क्या कैसे जुड़े हैं, क्या क्या चेंज करें इसके बारे में? मैं सर को एक साल से जानता हूँ, ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट भी था पहले से 20 ईयर से इस इंडस्ट्री में आने का अजय प्रोडक्शन में. तो बाकी सब अच्छा चल रहा है और आगे बहुत अच्छा होगा मुझे. सर मुरत के साथ सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी क्या है इस फिल्म का, बात कर रहे कौन गायक है और क्या करने वाले हैं? पायल जी इनका है अभी अभी जिन्होंने गाना गाया. तो शी इज अ गुड सिंगर, अ नोन सिंगर. तो भाई हमने जो हमारे डायरेक्टर हैं म्यूज़िक के मिस्टर आशू भाई ही रेफर्ड के ये गाना गाएंगे तो फिर उनसे गवाया. शी इज़ अ नाइस सिंगर. तो कास्ट में जितने भी लोग रहेंगे सब नए रहेंगे कि नहीं? नहीं, देयर विल बी वन नोन एक्टर, वन नोन एक्ट्रेस, टू न्यू कमर बॉयज एंड टू न्यू गर्ल्स. और शूटिंग शेड्यूल के बारे में कब से शुरुआत हुई? जून लास्ट से स्टार्ट करेंगे. शूटिंग विल बी डन इन अलीगढ़, इन उत्तरांचल एंड इन मुंबई. लेकिन आजकल जितनी भी फिल्में बनती है कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर चलता है, ऐसा फिल्म है जो यंगस्टर्स को इंस्पायर करेगा के लिए लोग जाएंगे तो क्यों जाएंगे? इट्स अ कॉमेडी फिल्म, अ लाइट फिल्म. तो अलीगढ़ बॉयज ये बैकड्रॉप आधारित नहीं? नहीं नहीं, मुस्लिम पर आधारित नहीं है ये स्टोरी. इज बेस्ड ऑन बॉयज हु बिलोंग टू अलीगढ़. तो ये उनका स्टोरी. थोड़ी सी कहानी के बारे में बताएं क्या है, ऐसे जहन में आया ये? थोड़ा सा इसको मैं आपको बाद में बता सकता हूँ. थोड़ी तो जानकारी दे. हाँ, जेएनयू से, जैसे उन्होंने कहा जेएनयू से ये एक्चुअली लव स्टोरी है और उसमें कन्हैया कुमार का तड़का है. नहीं नहीं नहीं, कन्हैया जी का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है. दूर दूर तक? नहीं नहीं, दूर. अच्छा जी जी, बताएं कंटिन्यू क्या कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं, ये इट्स अ फन फिल्म बेस्ड ऑन द ऑन अलीगढ़ बॉयज. उनकी कहानी है कि वो क्या करते हैं और उनका थोड़ा एक्शन भी है. हाउ दे फॉल इन लव, वो कन्फ्यूजन है उसमें बहुत. और एक विलन भी है. द स्टोरी गोज़ ऑन. कैसे ये आया जहन में कि हाँ अलीगढ़ के ऊपर, जैसे अलीगढ़ के इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो लोगों के जहन में बहुत ही गहरा छाप बना के रखा हुआ है अलीगढ़ में. यूनिवर्सिटी है और तमाम की वहाँ के कहानियाँ, उन्हीं बैकग्राउंड से उठाया गया ये कहानी क्या है? See, मेरे पास, मैं इमरान जी के पास गया. ही वॉज इंटरेस्टेड, मनोज जी वॉज इंटरेस्टेड कि वे कहते हैं कि अलीगढ़ के ऊपर एक फिल्म तैयार करनी है. तो आई नो इमरान जी सिंस लास्ट सो मैनी ईयर्स. तो मैंने उनको बोला तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, इसका एक स्टोरी तैयार करते हैं. तो उन्होंने फिर एक स्टोरी बनाया. तो अभी स्टोरी पर काम चल रहा था फ्रॉम लास्ट मतलब 2 or 3 months. तो अब अभी कंप्लीट हो गया. तो इसलिए वी स्टार्टेड फ्रॉम अलीगढ़, द फिल्म इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अलीगढ़. कहीं ना कहीं सर स्टोरी राहुल गांधी एंट्री करेंगे इस नहीं आप कहाँ पॉलिटिक्स में? सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इस स्टोरी से टच करेगी. हाँ, टच करेगी. सर आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका फिल्म प्रोडक्शन का बैकग्राउंड है, पैशन के लिए फिल्म बना रहे हैं? पैशन. नहीं, इस मेरे को और कुछ समझ में नहीं आता. तो आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपको क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. सी, आई वाज बोर्न एट आगरा, उसके बाद आई केम टू मुंबई. आई असिस्टेड इन मतलब इन सो मेनी फिल्म्स. ग्रेजुअली आई इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन वर्क. Then starting and started this work. कितना आसान है, कितना मुश्किल है? सर
कोई भी काम इजी नहीं होता, एवरीथिंग इज टफ, बस यू हैव टू डू इट एंड आई फील गुड। और सर जी, आप तो दिल्ली से बिजनेस से बिलोंग करते हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से मतलब इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि एक्चुअली मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था जब मैं एजुकेशन में था और जाना भी इसी फील्ड में ही था। मुझे बहुत अच्छा लगता है मूवीज़ को लेकर के, ताकि अलीगढ़ इससे शुरुआत किया है, अलीगढ़ वॉइस से बाकी आगे करेंगे। देखिए, एक डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि कोई प्रोड्यूसर उसको रिपीट करे। तो राजीव की लास्ट फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी, ऑन द रैम, जो अभी रिलीज़ होने वाली है, और ओवरलैपिंगली आज राजीव की और मनोज जी की फिल्म का मुहूर्त है, और इन लोगों को भरोसा था मेरे ऊपर तो ये फिल्म भी मुझे दिए, और इसको हमने जो है इनको इनसे हमने पहले बैकड्रॉप पूछा कि कुछ अनकन्वेंशनल बैकड्रॉप हो, तो इनकी तरफ से आया कि समथिंग रस्टिक, और अलीगढ़ का नाम आया, तो अलीगढ़ नाम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे भी बहुत सारे रीजंस की वजह से, हमारा रीज़न कुछ और है, तो जब ये बैकड्रॉप आया तो फिर हमने उस बैकड्रॉप पे वहाँ के जो यंगस्टर्स है, यूथ है, वहाँ किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका अचीवमेंट्स क्या है, उनके गोल्स क्या है, व्हाट डू दे वांट टू डू, इस सब पे हमने जो है एक स्टोरी वर्कआउट की, और फिर हमने जो है तीन लड़कों की ये कहानी बनाई है। वो तीन लड़के किस तरह अलीगढ़ में बाहर से आते हैं, अलीगढ़ का नाम सुनते हैं, बाहर से आके सेटल होते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं और कैसे अचीव करते हैं, ये पूरी इस कहानी का पूरा शो गया। ना सर, आप खुद इसी कम्युनिटी से हैं, मतलब हर फील्ड में कंट्रीब्यूशन है उनका, स्पोर्ट्स हो या बिजनेस या पॉलिटिक्स या फील्ड में, क्या कहते हैं, लेकिन फिल्म हो या मीडिया हो, कभी कभी जो डिजर्व करते हैं लेकिन वो चीज़ शोकेस नहीं करता है, एक मतलब फिल्म मेकर हो या फिर मीडिया हो, क्या कहते हैं? देखिए, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि उसको तृप्ति किस लेवल पे मिलती है। किसी को साइकिल में तृप्ति मिलती है, किसी को मर्सिडीज़ में नहीं मिलती है, तो ये पर्सनल लेवल पे है। आज मैंने काफ़ी फिल्में की हुई हैं, काफ़ी सालों से मैं हूँ, और ओवरऑल आई एम हैप्पी। ये टीस हर आदमी में है, हर इंसान में है, कि वो सब चीज़ अटेन और अचीव नहीं कर सकता, समथिंग इज ऑलवेज लेफ्ट। सो सेम विद मी, आई एम हैप्पी टिल नाउ, लेट्स होप आई अचीव व्हाट आई वांट इन द फ्यूचर आल्सो। अलीगढ़ बॉयज़ की अगर बात करें तो किस विषय को लेकर फोकस किया गया है? जैसे अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की बात है तो पढ़ाई लिखाई अपने चरम सीमा पे है ही है, साथ ही साथ वहाँ क्राइम भी बहुत चरम सीमा पे है, फोकस किया गया है। हाँ, देखिए, इसमें एक तो पहली बात यह है कि AMU विल बी शोन एज अ पार्ट ऑफ अलीगढ़, बट AMU का कोई रोल नहीं है स्टोरी में। दूसरी चीज, वहाँ जो क्राइम है वो हमने लिया है, अलीगढ़ का नाम आता है तो थोड़ा सा वो एक फील आता है। एक तो ताले के लिए बहुत फेमस है अलीगढ़, वो तो सभी जानते हैं। तो हमारा जो स्टोरी है हमारी, वो वहाँ के तीन लड़कों की है, आम लड़कों की है, हु वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ। हमें ये छोटे शहर में बच्चों की, लड़कों की क्या मंशाएं हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो हम इस फिल्म में दिखाना चाहते हैं। तो अलीगढ़ एक्चुअली डिनोट्स एनी अदर बी सिटी ऑफ इंडिया, चाहे अलीगढ़ ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, छोटे छोटे शहर है, तो अलीगढ़ रिप्रेजेंट्स ऑल दो सिटीज़, सब ये 200-250 सिटीज़ को हमने जेल करके उसको अलीगढ़ नाम दिया है। अलीगढ़ का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये सारी सिटीज़ है। ये तीन लड़के किसका किरदार निभा रहे हैं? इसमें क्या है कि एक तो कन्हैया कुमार होगा, दूसरा नहीं, फिर वो आप JNU में चले गए, AMU में चले गए, नो। इसमें देखिए, एक इसमें जर्नलिस्ट है जिसको बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहिए, एक पेंटर है, वुड बी पेंटर है, ही वांट्स टू बिकम द बेस्ट पेंटर ऑफ द ईयर, और एक म्यूजिक
जो कंपोजर है ही वॉन्ट्स टू गेट द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहिए उसको. ये तीनों की ये स्ट्रगल है, वो कैसे उसको अचीव करेंगे. बताना चाहूँगा, मेरा बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री से नहीं था. आई एम एक्स कमांडो और ये जो मुंबई कांड था इसमें था मैं, उससे पहले झारखंड कांड में था. मनोज जी से मुलाकात थी जो जिन्हें मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ आज की डेट में, और सर के साथ जब बैठ के प्लानिंग हुआ तो मैंने कहा एक इंडस्ट्री, एक फोर्स का बंदा एक फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है तो इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो सर के ऊपर विश्वास करके मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ और राजीव भाटिया जी, इमरान सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. बाकी अलीगढ़ वॉइस की अगर बात करें तो ये एक स्टोरी उस समाज को लेकर बनाई है सर ने, जिसकी मुझे नॉलेज है कि नॉर्मल क्वालिटी के जो तीन बच्चे जब एक अपना अचीवमेंट के लिए भागते हैं तो उनके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको प्रॉब्लम क्या कैसे क्रिएट करते हैं और देन उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं. बस शॉर्टली इतना ही, बाकी तो सर इसके बारे में बता चुके हैं आपको. मेरा नाम है विजयवीर तोमर. जी मैं अंबर बेदी हूँ और आई एम एन एक्ट्रेस और मैं मिक्की रील प्रोडक्शन से बन रही मूवी अलीगढ़ बॉयज के लिए राजीव भाटिया सर को और मनोज जी सर को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि उनकी फिल्म बहुत अच्छी बने एंड जल्दी बन के रिलीज़ हो ताकि हम सब देखें. मैं अपने बारे में ज़्यादा तो क्या बताऊँ, आई एम जस्ट एन एक्ट्रेस एंड आई एम हेयर फॉर एक्टिंग. सो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं वो ऑलरेडी टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई विल बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. थैंक यू. थैंक यू. सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं भी डिफेंस से रिलेटेड हूँ, डिफेंस में ही काम कर रहा हूँ. और बात की जाए तो मनोज जी बड़े भाई हैं, उन्हीं के साथ में इनके साथ में लगे हुए हैं. और मैं अपनी तरफ से सबको बधाई देना चाहूँगा, गैब्रियल मोशन पिक्चर्स को और मनोज जी को, राजीव भाटिया जी को और इमरान खालिद जी को, कि उनका जो ये सब्जेक्ट है सबको बहुत पसंद आएगा और रियल में इन्होंने बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं जो सबको बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू. चलो ये आपने क्वेश्चन अलीगढ़ बॉयज़ के ऊपर ठीक किया है मेरे से पूछ के. पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ लेकिन बॉम्बे में पहली बार आया हूँ. तो अलीगढ़ बॉयज़ के नाम से एक तो ये खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र में अगर ये पिक्चर चली जाएगी तो थोड़ा घना इसमें अच्छा ही होगा, क्योंकि इधर से ही जाती हैं सब पिक्चरें. दूसरी बात, मनोज जी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हैं और मनोज जी के साथ हम भी टच हैं. मनोज जी इसमें बहुत अच्छे, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, कि भाई ये चीज़ें लाई जाए अपने क्षेत्र में. तो मैं तो यही शुभकामना दूंगा इन्हें, मनोज जी को और राजीव जी को, कि इसे बहुत अच्छे स्तर पर बनाई जाए ताकि इसे लोग लाइक करें.